नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति, नव वर्ष में आपकी शिक्षा और आपके रोजगार का हाल। बात करेंगे कि नव वर्ष 2023 में आपकी शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपके रोजगार का मामला कैसा होगा, जो परीक्षाएं आपने दी हैं उन परीक्षाओं के परिणाम इस साल कैसे होंगे, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी और व्यापार में आप कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि, अगर मेष राशि की शिक्षा की बात करें कि 2023 में मेष राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी, तो इस साल आपके शिक्षा की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी दिखाई देती है। एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। शिक्षा के लिए हो सकता है अपने नेटिव प्लेस से, अपने परिवार से आपको दूर जाना पड़े, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी वालों के लिए अगर आपकी राशि मेष है तो कुल मिला के साल 2023 आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को, कारोबारियों को इस साल में सोच समझ करके निवेश करना होगा। अगर आप कारोबारी हैं या आप व्यापारी हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस मामले में थोड़ी सावधानी इस साल में रखनी होगी। अगर आप पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, शिक्षा की जो भी बाधा थी, शिक्षा की जो भी समस्या थी वृषभ वालों की, वो इस साल आपकी हल होगी। किसी नए तरह की शिक्षा की तरफ जा सकते हैं, कोई नया प्रोफेशनल एजुकेशन में नाम लिखा सकते हैं, किसी नई प्रोफेशनल पढ़ाई की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार की स्थिति में भी साल 2023 में सुधार होगा, लेकिन यह सुधार आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। नौकरी की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए मध्यम रहेगी और साथ ही साथ नौकरी में साल 2023 में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस साल शिक्षा और रोजगार को बेहतर करने के लिए भगवान शनि की अगर आप उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, शिक्षा के मामले में इस साल में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षा का मामला इस साल में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोई अवार्ड पा सकते हैं, कोई मेडल पा सकते हैं, कोई पुरस्कार सम्मान शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में आपको मिल सकता है। इस साल नौकरी और कारोबार का मामला आपका बेहतर रहेगा। आपके नौकरी और आपके कारोबार में स्थिरता आएगी, चीजें स्टेबल होंगी। नए कारोबार की शुरुआत के बारे में आप विचार कर सकते हैं, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। अगर आप नया कारोबार करना चाहेंगे तो इस साल 2023 में इसकी शुरुआत हो सकती है। यानी अगर हम शिक्षा का मामला देखें, नौकरी और कारोबार का मामला देखें, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सारे के सारे मामले बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पूरे साल अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, उनकी पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, शिक्षा के मामले में कर्क वालों के लिए थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में आपके थोड़ी बाधा इस साल में आ सकती है।
कोई महत्वपूर्ण पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, अपनी डिग्री को एडवांस करना चाहते हैं, तो किसी महत्वपूर्ण पढ़ाई की शुरुआत इस साल में मत करिएगा। साल के आरंभ से आपके करियर में सुधार होता जाएगा, करियर का मामला थोड़ा सा बेहतर है और कारोबार की समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, कारोबार की मुश्किलें धीरे धीरे आपकी समाप्त होंगी। तो शिक्षा का मामला कर्क वालों के लिए इस साल में थोड़ा कठिन है और कारोबार नौकरी का मामला इस साल में आपके लिए एवरेज है। नियमित रूप से अगर आप शनि देव की उपासना करेंगे इस साल में, तो ये वर्ष आपके लिए शिक्षा और करियर के मामले में बेहतर होगा। सिंह राशि, शिक्षा का मामला कुल मिलाकर इस साल में आपके लिए एवरेज होगा, मध्यम होगा, लेकिन अगर कोई कंपटीशन दिया है आपने, किसी प्रतियोगिता में आपने परीक्षा दी है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे, प्रतियोगिता में परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। इस साल कारोबार के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेंगे, हो सकता है पुराना कारोबार बंद करके किसी नए कारोबार की तरफ जाएं। नौकरी के लिए आपको इस साल में दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है या विदेश जाना पड़ सकता है, इस तरह की संभावनाएं भी साल 2023 में आपके लिए दिख रही हैं। नियमित रूप से अगर पूरे साल भगवान सूर्य की आप उपासना करें, भगवान सूर्य की अगर आप पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि, शिक्षा के मामले में इस साल में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हैं तो हो सकता है शिक्षा के परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर ना हो। अभी आप जो कंपटीशन दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सफलता में आपको समय लगेगा, अभी कंपटीशन क्वालिफाई करना इस साल में मुश्किल होगा। बेहतर करियर के साथ साल की शुरुआत होगी, करियर का मामला आपके लिए बेहतर दिखाई देता है, बदलाव करने के अगर मौके मिल रहे हैं तो आप बदलाव के लिए चिंता मत करिएगा, आप रिस्क ले सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और ऐसा बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा, चाहे वो बदलाव नौकरी के मामले में हो, चाहे वो बदलाव व्यापार के मामले में हो, वो बदलाव आपके लिए ठीक रहेगा। भगवान बृहस्पति की अगर आप उपासना करते हैं साल भर, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, शिक्षा के मामले और रोजगार के मामले आपके लिए बेहतर होंगे। तुला राशि, शिक्षा के मामले, प्रतियोगिता के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं, शिक्षा के मामलों में भी सफलता मिलेगी और प्रतियोगिता के जो परिणाम आएंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, मनचाही सफलता आपको शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में मिलेगी। नौकरी और कारोबार की जो तमाम समस्याएं हैं आपकी, ये तमाम समस्याएं हल होंगी और हो सकता है इस साल आप किसी नए व्यापार की, नए कारोबार की शुरुआत करें, यह संभावना जरूर दिखाई देती है। तो तुला राशि वालों के लिए साल 2023 में शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी और व्यापार का मामला बहुत अच्छा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा के मामले में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, शिक्षा के मामले में इस साल में आपको बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, लापरवाही करेंगे तो कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आपके बड़े अवसर छूट सकते हैं,
प्रतियोगिता में आपको असफलता मिल सकती है। इस साल नौकरी का मामला भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। नौकरी में थोड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अगर हम व्यापार का मामला देखें, वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस का मामला देखें, तो व्यापार का मामला आपके बेहतर होगा और व्यापार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए ये साल शिक्षा के मामले में और नौकरी के मामले में चुनौतियां दिखा रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। शनिवार को कुछ न कुछ अगर आप दान करते रहें, निर्धनों की सेवा सहायता करते रहें, तो आपकी मुश्किलें इस वर्ष में कम हो जाएंगी। धनु राशि, शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में कोई बड़ी सफलता इस साल में आपको मिल सकती है और पढ़ाई के लिए आप अपने घर से दूर या विदेश जा सकते हैं। यह संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इस साल नौकरी और स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इस साल आपकी नौकरी में परिवर्तन भी होगा और इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, ऐसा लग रहा है। नई नौकरी और व्यापार आपके लिए इस साल शुरू होंगे। अगर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू होगी, और अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो भी शुरू होगा और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप नियमित रूप से जल अर्पित करें इस वर्ष में, वैसे तो ये वर्ष आपकी शिक्षा के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करें तो यह वर्ष आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मकर राशि, शिक्षा की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति इस साल में आपके लिए मध्यम रहेगी, एवरेज होगी। किसी नए तरह के कोर्स की शुरुआत से इस साल बचना चाहिए। किसी नई पढ़ाई में मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको असफलता मिल सकती है। साल की शुरुआत में नौकरी में बड़े बदलाव होंगे आपके, और ये बदलाव आपके लिए आगे चलकर के फायदेमंद हो सकते हैं। कारोबार की स्थिति कुल मिला के मध्यम रहेगी, एकदम से सुधार नहीं होगा, लेकिन कारोबार के मामले में धीरे धीरे सुधार होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? अगर आप अपने नौकरी, कारोबार और शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं तो सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करिएगा। खासतौर से मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कुंभ राशि, साल की शुरुआत में शिक्षा के मामले और प्रतियोगिता के मामले आपके लिए काफी अच्छे हैं। साल के आरंभ में ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी भी मेहनत की स्थिति बनी रहेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको करियर में, कारोबार में, शिक्षा में सफलता मिलेगी। इस साल व्यापार की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अपना व्यापार, अपना काम प्लान करके चलिएगा। इस साल लापरवाही से काम नहीं चलेगा। नौकरी आपकी कुल मिलाकर इस साल में ठीक रहने वाली है, इसलिए नौकरी में या करियर में कोई बड़ा परिवर्तन मत करिएगा, क्योंकि जहां आप बने हुए हैं वहीं पर मामला आपके लिए ठीक रहेगा। बड़ा परिवर्तन आपके लिए निगेटिव हो सकता है। भगवान शिव की अगर आप नियमित रूप से उपासना करें, पूरे वर्ष भर में भगवान शिव की अगर आप नियमित रूप से पूजा करें, तो ये वर्ष शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में और कारोबार के मामले में आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, शिक्षा की स्थिति इस साल आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के मामले में इस साल आपको काफी फायदा होगा। इस साल आपकी नौकरी में
और आपके कारोबार में स्थिरता आएगी, चीजें आपकी सेटल होंगी। बार बार के उतार चढ़ाव से भी इस साल आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस साल चाहे आप नौकरी करते हो या आप व्यापार करते हो, आपके लिए स्थान परिवर्तन जैसे योग इस साल में जरूर बन सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को पूरे साल आपको जप करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शिक्षा के मामले में, आपके नौकरी के मामले में और आपके कारोबार के मामले में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये जो साल 2023 है, अगर हम ओवरऑल करियर के मामले में देखें तो साल 2023 केतु का साल है। अब राहु केतु का संबंध जिस साल से होता है उस साल देखिए शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में हलचल जरूर होती है, इसलिए जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, उन्हें इस साल में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही शेयर बाजार में दिक्कतें हो सकती हैं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है। दूसरे नंबर पर ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि साल 2023 में लोगों की नौकरियों में परिवर्तन होगा, यानी बहुत सारे लोग इस साल में अपनी नौकरी में परिवर्तन करेंगे, अपनी नौकरी में स्थान भी परिवर्तन करेंगे। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि चीजें बदलें तो 2023 का पूरा इस्तेमाल आपको करना चाहिए और उसका आपको लाभ हो, इसीलिए साल 2023 में भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। तीसरी बात, साल 2023 में शनि शुरुआत में ही अपनी राशि बदल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो धनु राशि वालों को, तुला राशि वालों को और मिथुन राशि वालों को काफी सहायता मिलेगी, काफी सफलता मिलेगी अपने करियर के मामले में और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में। लेकिन मीन राशि पर थोड़ी मुश्किल, वृश्चिक राशि पर और कर्क राशि पर मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से दिक्कत की संभावना बन सकती है। तो अगर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश से आपको दिक्कत लग रही है, जैसा वृश्चिक और कर्क वालों के साथ ज्यादा हो सकता है, तो शनि मंत्र का पूरे साल जप करना आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। तो केतु का ये वर्ष पूरे वर्ष में करियर, मार्केट, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव दिखाई देगा, और ये उतार चढ़ाव केवल भारत में ही नहीं होगा, पूरी दुनिया के मार्केट में, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन में बड़े उतार चढ़ाव के योग इस साल में दिखाई देंगे। तो वर्ष 2023 आपकी शिक्षा, आपके कारोबार, आपकी नौकरी के लिए उत्तम रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।